रखमा ने जो कुछ देखा वो अपने पति चिमाजी को बताया, पर चिमाजी को यकीन नहीं हुआ। और जब दोनों लक्ष्मी के कमरे में पहुंचे तो ये लो रखमा, देखो माँ यहाँ कितनी शांति से बैठी है और तुम क्या? लेकिन मैंने तो, रखमा बोलते बोलते रुक गई। उसे एहसास हो गया था कि वो चिमाजी के सामने कुछ साबित नहीं कर पाएगी और इस बात ने उसके रातों की नींद हराम कर रखी थी। काश ये समझ पाते कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पर इन्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं। बस अब तो यही उम्मीद कर सकती हूँ कि सासू माँ सो रही हो और वो कुछ और ना कर ले। और तभी पर रखमा की वो उम्मीद उन गिरते बर्तनों की आवाज़ के साथ ही टूट गई और वो एक झटके में उठकर बैठ गई। वो ऐसा समय था जहाँ रात में रोशनी बस जलते दियों की होती थी, घर में बस चंद्रमा की किरणों से थोड़ी रोशनी होती थी, इसीलिए देवघर में रखमा समय लेने जा रही थी। और तभी अचानक, ये क्या? मुझे लगा कि खाट में अटकने की वजह से मुझे चोट लगी थी, पर यहाँ तो आसपास कोई खाट नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, पर मुझे कमरे में किसी के मौजूद होने का एहसास हो रहा है। तभी पीछे से की सासू माँ, रखमा। सासू माँ? नहीं सासू माँ। थोड़ी देर बाद जब ज्योतिया जी आवाज सुनकर कमरे में पहुंचा तो, माँ, दादी। ज्योतिया जी उस समय केवल 12 वर्ष का था। अपनी माँ को ऐसे देख के उसे समझ नहीं आया कि क्या उन्हें बचाने के लिए उसे करना चाहिए। ज्योतिया जी ने अपने दादी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो उठी नहीं। उसे लगा वो गहरी नींद में होगी। दादी, उठो दादी। दादी माँ उठ नहीं रही और माँ इस तरह खाट पे बेहोश गिरी हुई है, शायद पानी के छींटे मारने के बाद माँ को होश आ जाए। रखमा को अपने बेटे ज्योतिया जी को देखने के बाद कुछ तसल्ली हुई। माँ जी कहाँ हैं? दादी माँ पता नहीं क्यों जमीन पे ही लेटी हुई काफ़ी गहरी नींद में सो रही है। दादी को क्या हुआ है माँ? कुछ नहीं, आज तुम मेरे साथ अंदर के कमरे में सो जाओ। ज्योतिया जी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ को एकदम से क्या हो गया था, फिर भी वो अपनी माँ के पास सो गया। अगले दिन सुबह, रखमा मैं समझ गई हूँ, जो कुछ भी सासू माँ के साथ हो रहा है वो किसी अमानवीय शक्ति की वजह से हो रहा है और इसका उपाय सिर्फ एक ही शख्स कर सकते हैं, मेरे गुरुजी। गुरुजी रखमा से पूछते हैं, क्या आप मांसाहार करते हैं? रखमा, जी नहीं, हमारे सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है और हमने भी कभी मांस को हाथ तक नहीं लगाया। गुरुजी ने काफ़ी विचार करने के बाद उसे एक उपाय बताया। हमारे पास एक उपाय तो है, लेकिन क्या आप उसे पूरा कर सकेंगी? अब मेरे पति के सामने सच साबित करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, आज घर जाते समय मांस लेके जाना। रखमा आश्चर्य होकर गुरुजी से पूछती है, ये कैसे बात कर रहे हैं गुरुजी? मेरे पति भले ही फौज में भर्ती हो गए हैं, लेकिन हम अब भी शुद्ध शाकाहारी हैं। गुरुजी बोलते हैं, अगर तुम सच में अपने पति के सामने ये बात साबित करना चाहती हो तो तुमको इतना तो करना ही पड़ेगा। अब रखमा ने ठान ली थी, ठीक है गुरुजी, आपने जो कहा है वो मैं जरूर करूँगी। तुम अपने घर भेड़ का मांस लेके जाओ, फिर देखो क्या होता है। कुछ देर बाद रखमा मांस लेने कसाई के पास पहुंची। गुरुजी के आज्ञा अनुसार रखमा मांस खरीदकर घर ले आई। मांस की थैली देखते ही लक्ष्मीबाई के चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। ला इधर दे। लक्ष्मीबाई दौड़ के रखमा के हाथ से वो थैली छीन लेती है। लक्ष्मीबाई उस थैली में से मांस निकालकर उसे कच्चा ही खाने लगी। ये देखकर चिमाजी को भी उकाए आने लगी। तभी रखमा चिमाजी को बोलती है, अब देखा आपने,
मैं क्या बोल रही थी? इतने दिन से सासू माँ ऐसे ही बर्ताव कर रही है कुछ दिनों से। चिमा जी को यह सब देख के विश्वास नहीं हो रहा था। तभी लक्ष्मी बाई रखमा से बोलती है, मुझे और मांस चाहिए। रखमा लक्ष्मी बाई के तरफ गुस्से से देख के बोलती है, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, मुझे इतने दिनों परेशान किया है तूने और अब मुझसे मांस मांग रही है, बता मुझे कौन है तू। रखमा ने लक्ष्मी बाई को मांस देने के लिए मना तो कर दिया था, लेकिन इसका क्या अंजाम होगा? चिमा जी अपने माँ को ऐसे देखने के बाद आगे क्या कदम उठाएगा? और ये सब जानने के लिए सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ आरजे पल्लवी पॉडकास्ट। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। पिशाच वेद की चैप्टर नंबर 3 एपिसोड 3 आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर एपिसोड 4 सुनना है तो मुझे सब्सक्राइब्स, लाइक, शेयर्स और कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को पिशाच वेद का जो हॉन्टेड सीरीज़ है वो कैसा लग रहा है और आप लोग इसी तरह का हॉन्टेड सीरीज़ सुनना पसंद करते हैं कि नहीं, तो मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा हॉन्टेड सीरीज़ लाने की कोशिश करूँगी। दोस्तों अभी तो मेरा चैनल पर 2 हॉन्टेड सीरीज़ चल रहा है। एक है यही पिशाच वेद का, प्रतिलिपि कॉमिक्स का पिशाच वेद, और एक चल रहा है मेरा कर्ण पिशाचिनी का, जो ऑलरेडी एपिसोड नंबर 3 जो है अपलोड हो चुका है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देखिए, जिसका उसका लिंक मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन में दे दी हूँ, आप लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों मैं हॉन्टेड सीरीज़ के साथ साथ मैं ट्रू हॉरर स्टोरीज़ भी बोलती हूँ, तो अगर आप लोगों को मुझे कोई अपना ट्रू हॉरर स्टोरीज भेजनी हो, अगर भेज सकते हैं जो कि आप लोगों का एक्सपीरियंस हो या फिर नेबर्स का या फिर अपने फ्रेंड सर्कल का या फिर अपने घर में किसी का भी आपने सुना हो कहानी, मतलब वो कहानी नहीं घटना होनी चाहिए कि हाँ वो ट्रू स्टोरी होनी चाहिए, तो मैं वो कहानी आप सबके सामने लाऊंगी। लेकिन वो कहानी कैसे भेजनी है, वो भेजनी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पेज में इनबॉक्स कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, जिसका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। तो दोस्तों सुनते रहिए और सोचते रहिए कि आगे क्या होने वाला है, और मिलते हैं हम लोग चैप्टर 4 के साथ, यानी एपिसोड नंबर 4 के साथ। तब तक सुनते रहिए और बने रहिए आरजे पल्लवी पॉडकास्ट में। बाय।